नमस्ते बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनफैक्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके मैथ्स में जो है, क्लास टेंथ में, इलेवेंथ में, आगे जितने भी आप पढ़ाई करोगे जहाँ तक भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री। और इसका फिजिक्स में बहुत यूज होता है, तो ध्यान से देखेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्री। इसके कुछ क्वेश्चन आज आपको मैं करवाऊंगा, जो टॉपिक हमने कल किया था, पहली वीडियो में बताया है मैंने आपको, उसके क्वेश्चंस आज हम करेंगे, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90, बाकी के दो एंगल्स एक्यूट, याद है? एक एंगल 90 और बाकी के दो एंगल्स एक्यूट, पहली बात। दूसरी बात, एंगल की डेफिनेशन याद है? नहीं है तो पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, आप उसको भी चेकआउट करें जरूर, बहुत बढ़िया वीडियो बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें क्वेश्चंस आपके जो है मैंने उसमें डाले हैं, तो जरूर उसको जाकर देखें आप। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, ए और सी एक्यूट एंगल्स है, बी राइट एंगल है, बी इज अ राइट एंगल 90 डिग्री। जिस एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना होता है, साइन है, उस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उसे क्या कहा जाता है? बेस। किसी भी एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड्स बनती हैं, जिसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होता है उसे क्या कहा जाता है? बेस। क्या कहा जाता है उसे? बेस। सो ए बी इज बेस, क्योंकि मैं एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो ट्राइंगल की दो साइड्स के, दो मेजरमेंट्स के, साइड्स के मेजरमेंट्स का रेशियो दिखाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सब चीजें बता चुका हूं, लास्ट वीडियो जाकर देखिए, पूरा डिटेल में बताया हुआ। तो साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पी बाय एच इज बी सी बाय ए सी, ठीक है, कर सकते हो आप ये सभी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आज अपने सभी ध्यान देंगे, आज हम यहां से क्वेश्चन थोड़े से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देते हैं हम, हाँ तो यहां ध्यान देंगे, राइट एंगल एट बी। सबसे पहले ये आपके दो फिगर्स मैंने नोट डाउन कर ली हैं, दो क्वेश्चंस 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के। तो पहला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है किस पर? बी के ऊपर। और ये पहले फिगर बना लेते हैं उसका, राइट एंगल डेट बी, तो यहां पर हम बी बनाएंगे, ए और सी आपका जहां मन करे आप बना सकते हो। ए बी 24 है, बी सी 7 है, ठीक है जी। अभी आपको ये चारों चीजें निकालनी है, एक ही स्टेप में आंसर आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले लगाओ पाइथागोरस, क्योंकि अपने को चाहिए साइड्स, ट्रिगोनोमेट्री तीन साइड्स की मेजरमेंट्स, तो जब तक आपके पास तीनों साइड्स के मेजरमेंट्स नहीं होंगे तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते हो, है ना? सो बेसिकली व्हाट यू नीड ऑल द थ्री साइड्स, द मेजरमेंट ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। सो 24 7 राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये हाइपोटेन्यूज है, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 625, इनको ऐड करोगे 576 और 49, 625 बन जाएगा। सो एच विल बी 25, सो दिस विल बी 25, पाइथागोरस, ठीक है जी। ये कैसे आया है? पाइथागोरस से। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। साइन ए विल बी, जब ए लेंगे तो दिस विल बी बेस, एंगल के साथ वाली साइड बेस, रट्टा मार लो, एंगल के साथ वाली साइड बेस, ये नहीं हो सकता क्योंकि सबसे लंबी साइड क्या होती है? हमेशा hypotenuse, so this will be base, ठीक है जी, इसको base बना दिया, तो खत्म हो गया question, sin a, क्या होगी sin a की value? Perpendicular upon hypotenuse, this perpendicular upon hypotenuse, so 7/25, ठीक है, cos a, base upon hypotenuse, a ले रहे हैं base, hypotenuse, so 24/25, साइन सी, जब सी ले रहे हैं तो दिस एंगल, हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये बेस होगा,
अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर, सो 24 बाय 25, और कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो बेस 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस 25। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन डन, बहुत सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाएंगे, राइट एंगल एट क्यू, फिगर दिया हुआ आपको क्लियर नहीं, तो राइट एंगल एट क्यू ये 12 है, ये 12 है, ये 13 है, और ये आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अगेन पाइथागोरस लगाएंगे, दिस विल बी, देखो ये बेस भी हो सकता है और ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है ना, तो दोनों का स्क्वायर तो ऐड ही होने वाला, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि फिलहाल फर्क नहीं पड़ता है कि ये बेस है या ये परपेंडिकुलर। हाँ, जब हम वैल्यूज निकाल रहे होंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, तो फिलहाल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस, 13 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 169, सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144 25, सो क्यू आर विल बी 5, सो दिस विल बी 5। व्हाट यू नीड टू फाइंड इज टेंजेंट पी विल बी, देखो पहले पाइथागोरस लगाकर अपने को ये टेन पी कॉट आर कुछ भी निकालना है, ये सब क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो रेशियो निकालने के लिए साइड्स के मेजरमेंट्स भी तो चाहिए ना, तो मेजरमेंट तीनों की निकाल ली, बस अब रेशियो वैल्यूज निकालो। टेंजेंट पी इज पी बाय एच, सॉरी पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर इज, अभी देखो टेंजेंट पी अगर हम ये ले रहे हैं, सो दिस विल बी बेस, ये बेस होगा, बड़ा ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखना, गलती नहीं करनी, देखते ही आंख बंद करके लगा कि ये बेस है, जो हमें आदत पड़ी हुई है हम देखते हैं जो नीचे है वो बेस है, ऐसा नहीं होता है। राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल के लिए होता है, और एक और बात बता दूं आपको, ये किसी भी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है कि नीचे वाली साइड जो होगी वही बेस होगी, सभी ट्रायंगल्स में बेस चेंज हो सकता है, राइट एंगल के अलावा भी कोई और ट्रायंगल है ना, तो हाइट ही डिसाइड करती है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं ये चीज, लेट से जब किसी चीज की हम हाइट डिस्क्राइब करते हैं ना, तो हमेशा ये देखना होता है कि उसका बेस क्या है, उल्टा भी बोलूंगा इसी चीज को, अगर किसी चीज का बेस डिस्क्राइब करना है तो यह भी देखना होगा कि उसकी हाइट कौन सी ले रहे हो। जैसे अगर आप इसको लेते हो, तो अगर ये ऐसे पड़ी हो तो दिस विल बी द हाइट, अल्टीमेटली हाइट ये होगी अगर ये बेस है तो, अगर आप इसको ऐसा रखते हो और ये बेस मानते हो, इसको बेस मानते हो, तो ये अल्टीमेटली हाइट होगी, समझ रहे हो। तो हाइट और बेस जो होते हैं ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, आप किसी भी साइड को हाइट और बेस, आप किसी भी साइड को बेस मान सकते हो, तो ध्यान में ये रखना है कि अगर आप जो भी साइड को बेस ले रहे हो, corresponding side will be the height, ठीक है, उसके ऊपर पड़ने वाली perpendicular distance जो उसका होगा from the top, that will be the ultimate height, समझ रहे हो ना, जो सबसे बड़ा perpendicular distance होगा किसी भी चीज का, अगर आप बेस ये मान रहे हो तो टॉप से जो perpendicular distance होगा this will be the height। हाँ, अगर आप ऐसे इसको बेस लेते हो तो ये हाइट होगी। तो ये सभी शेप्स के लिए होती है, ये सभी शेप्स के लिए होती है, सिर्फ एक आधी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ राइट ट्रायंगल में नहीं बोल रहा हूं, मैं हमेशा के लिए बोल रहा हूं, कोई भी आप फिगर लेते हो तो हाइट बेस के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है, या बेस हाइट के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। यहां पे अगर हम टेंजेंट पी ले रहे हैं, सो दिस विल बी द अल्टीमेट बेस, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, सो टेंजेंट पी विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 5/12 कॉट आर विल बी, cot r will be again base by perpendicular, कल बताया था cot जो होता है cot theta is 1 upon tangent theta, उल्टा होता है इसका, ठीक है, तो formula change हो जाएगा base upon perpendicular, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना r लेके चलना ना, so ये होगा base, so cot is b by p base upon perpendicular, so 5/12 minus करोगे तो क्या आएगा 0। next question, फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीकेंट थीटा इक्वल्स, देखो सबसे पहले ना आपको फॉर्मूले याद करने हैं, सबसे पहले ये चैप्टर बिना फॉर्मूलों के कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, दिस चैप्टर इज नथिंग विदाउट फॉर्मूले, कुछ भी नहीं है, आपको पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, पापा बेड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेंजेंट, साइन का उल्टा कोसेकेंट, कॉस का उल्टा सेकेंट, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, एक चार्ट बनाओ,
एक चार्ट, चार्ट नहीं, चार्ट खाने वाली चार्ट, अगर तुमको कहीं मन ना कर जाए ऐसा, यहाँ जान दो, तो चार्ट, चार्ट बनाओ, उस पर इसको लिखो, जितने फॉर्मूले मैं आपको इसके बताता जा रहा हूँ चैप्टर के, उसको लिखो, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कमरे में चिपकाओ उसको कहीं पर, ठीक है, और उसको देखते रहो, मन में दोहराते रहो इन फॉर्मूलों को, सोने से पहले इनको थोड़ा सा याद कर लो एक बार, 10-15 मिनट सुबह उठकर एक बार, या फिर रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ये जल्दी याद हो जाएंगे चैप्टर अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। और भी बहुत सारे मूल मंत्र बताऊंगा आपको इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे आगे, फिलहाल ये सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए और बाकी के एक्सरसाइजेस के लिए भी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। सीकेंट थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा, रेसिप्रोकल, यानी कि सीकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब एक बड़ी मजेदार बात है जो मैंने देखा अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या है वो देख लो, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, अक्सर ये गलती बच्चे करते हैं, वो क्या है देखना, सीकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, 13/12 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ट्राइंगल बनाने से पहले बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि वो लिखते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 13 एंड बेस इक्वल्स टू 12। देखो लिख तो सकते हो आप, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, रेशियो, समझ रहे हो, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीकेंट थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस 12 है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 26 और बेस 24 भी हो सकता है, क्यों, अगर उनका भी रेशियो आप निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 13/12 आएगा, नहीं समझे, वो भी यही आएगा ना, बात समझ में आ रही होगी ना आपको। सो बेसिकली ना जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि ये हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, जरूरी नहीं। देखो मैं कह रहा हूं फिर से, लिख तो सकते हो आप, लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 13 एंड बेस इक्वल्स टू 12, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हाइपोटेन्यूज 13 ही होगा और बेस 12 होगा, अगर ऐसा रेशियो दिया हुआ, समझे, ये एक रेशियो है, इट डजंट मीन कि ये 13 है हाइपोटेन्यूज और ये 12, रेशियो है, समझ रहे हो ना, अगर आप यहां पे ऊपर 39 नीचे 36 लेते हो तब भी रेशो क्या आएगा, तो इसका ये मतलब भी तो हो सकता है ना कि हाइपोटेन्यूज 13 हो, सॉरी 39 हो और बेस 36 हो, ये भी हो सकता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को लगा आपको बता देनी चाहिए इस बात को, हमेशा ही ध्यान में रखना कि हाँ ये एक रेशियो है, तो हम इसको वैसे ही करेंगे, इसको मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज 13K, K का मतलब क्या है कि हो सकता है इसके मल्टीपल में कुछ हो, और इसको मैंने मान लिया 12K, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी थीटा यहां मान लो, क्योंकि अपने को कन्वीनियंट लगता है ये बेस देखने में, तो थीटा यहां मान ले तो ये बेस हो जाएगा, बस ये याद रखना, ABC, थीटा यहां मान लिया तो BC विल बी द बेस, सो बस खत्म हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस, तो हाइपोटेन्यूज 13K, बेस इज 12K, सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी पाइथागोरस, इट विल बी 5K, ठीक है। मजेदार बात देखो, अगर आप यहाँ पे के और यहाँ पे के लिखते हो तो रेशियो फिर भी 13/12 ही आएगा, अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालते हो तो रेशियो विल बी 13/12, नो इश्यू, ठीक है, ध्यान देंगे, तो ये आ गया, बस अब बाकी सब निकाल दो, खत्म, साइन विल बी, साइन थीटा विल बी P/H, P 5K, H 13K, खत्म, कॉस विल बी B/H, B 12K, मैं फिर बोल रहा हूं, थीटा जब लेंगे तो ये बेस, अभी सभी क्वेश्चन मैं यहां पर बेस लेकर चल रहा हूं, तो ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बस कॉस आ गया, टेंजेंट P/B, सो P B 12K, 5/12, कहीं भी के नहीं आएगा आंसर में क्योंकि सब रेशियोज हैं। उसके बाद कोसेकेंट, साइन का ऑपोजिट कर लो या H/P परपेंडिकुलर, सो 13/5, एंड द लास्ट इज कोटेंजेंट थीटा, मैं यहां लिख देता हूं इसको, कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट का ऑपोजिट होता है, इट विल बी 12/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, देखो बड़ी मजेदार बात है, मैं यही बात आपको कल से बताता रहा हूं, अभी पहले पहले लेक्चर में शुरुआत में ही बताई थी कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। अब किसी भी ट्राइंगल में आप जानते हो कि हमेशा दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, बताया ना, राइट ट्राइंगल में हमेशा दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। सो अगर मैं किसी एक को, देखो ए और बी
एक्यूट एंगल्स हैं, तो यहां पे ना तो ए आ सकता है ना बी आ सकता है, क्योंकि ये तो 90 है, एक्यूट नहीं है। तो इसको सी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। नहीं समझे, किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट, तो ये दो एंगल्स एक्यूट होंगे ना। नहीं समझे, तो इन्हीं दोनों एंगल्स को यहां और यहां रखना है। कभी गलती से यहां ए बना दो या बी बना दो, क्योंकि हमारी आदत होती है ए बी सी कुछ ऐसा लिखने की। ध्यान से सुनना, ए एंड बी आर एक्यूट, जो राइट एंगल होता है वह एक्यूट नहीं होता। सो अगर ये राइट एंगल यहां है तो ना तो ये ए हो सकता है ना ही बी हो सकता है, क्योंकि वो दोनों एक्यूट है। बस खत्म क्वेश्चन। कॉस ए विल बी कॉस बी, ये दिया हुआ है, गिवन है, दे रखा है। ये कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जब ए लेंगे, जब एंगल ए लेंगे, सो दिस विल बी बेस, सो एसी बाय हाइपोटेन्यूज ए बी। जब कॉस बी लेंगे, सो दिस विल बी बेस बी सी, और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, इट विल बी ए बी। ए बी गॉट कैंसल्ड, सो ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो बस नाइन्थ क्लास को याद करो, थ्योरम थी है क्या कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, यदि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल यानी कि ये, और इसका ऑपोजिट यानी कि ये, ऑपोजिट मतलब सामने वाला, सामने वाला, इस साइड के सामने ये एंगल है देखो, और इसके सामने ये एंगल है। तो एक थ्योरम आपने पढ़ी है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल के बराबर होगा। दैट मींस एसी के सामने एंगल बी, बीसी के सामने एंगल ए, इक्वल, दैट्स इट।